हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हम अपनी यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, उसमें क्या था, जो करंट या मैं कहूँ जो चार्ज था वो क्या था बेटा, हमने अज्यूम किया एक चार्ज यहाँ था एक यहाँ था। ये क्या अज्यूम किया कि ये अपनी जगह को डिस्प्लेस नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने क्या माना, एक रेस्ट पे माना, या इनको क्या माना मैंने, स्टडी माना। ये अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उस टाइम मेरे जो भी रिजल्ट आए थे वो मैं कर चुका। अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे करंट का मतलब होता है फ्लो, जैसे जो समंदर होते हैं, सीज होते हैं, उनके अंदर करंट होते हैं, वेव्स या करंट, सम क्या बोलते हैं। करंट का मतलब होता है फ्लो, मोशन। मैनी बॉडी इज इन मोशन। जैसे पानी इधर उधर लग के, जिनको हम रोलर कोस्टर या राइड्स बोलते हैं, तो वो पानी के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। करंट का मतलब होता है फ्लो, एक स्पीड में। पानी अलग होता है सारा, नीचे वाला एक करंट अलग प्रोड्यूस होता है। तो अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले करंट की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ करंट। अगर मैं इसको लिखने से पहले कह दूं, I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो करंट, करंट को मैं किससे डिनोट करूंगा, आई से। करंट किससे डिनोट करूंगा, आई से। क्यू मेरा क्या है, चार्ज। टी इज द टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड। तो करंट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ इट्स पोजिशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dq by dt भी लिख सकता हूं। स्मॉल चार्ज क्या किया, स्मॉल टाइम के लिए क्या किया, उसने अपने आप को चेंज किया। तो करंट को मैं और कैसे एक्सप्लेन करूं कि हाँ भाई, जितना भी चार्ज है अपनी जगह से डिस्प्लेस होएगा उतना ही क्या होगा, करंट होगा। जैसे एक कंडक्टर है यहां पर, ठीक है, 10th क्लास यहां में क्या होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से जैसे ही मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया, एक की लगा दी, ठीक है, अभी यहां पर क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी घूम रहा है ना, हमें नहीं मतलब है। मैंने जैसे इसको कनेक्ट किया, एक सेटअप हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करने लगा, यानी ये चार्ज अपनी जगह को छेड़ने लग गया। तो मैं कहूंगा हाँ, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, करंट है, जिसको मैं क्या डिफाइन करता हूं, आई से डिनोट करता हूं, यानी आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो करंट सभी को समझ आ गया होगा, वैसे इतनी बड़ी बात है नहीं। अब इसी को थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट की वजह से कर लेते हैं भाई। क्यू अपॉन टी, हम जानते हैं क्यू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। इट मीन्स मैं करंट क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग इट्स या नंबर ऑफ द चार्ज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर रहे हैं वो, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। तो वैसे तो मैं सीधा सा ही कह देता हूं एसी और डीसी, लेकिन मेरे पास एक स्टेडी करंट और ले लेता हूं, स्टेडी करंट, इसको बोल देता हूं डायरेक्ट करंट, इसको बोल देता हूं अल्टरनेटिंग करंट, या मैं कहूं वेरिएबल नॉन वेरिएबल, सो तरीके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेडी करंट क्या होता है, व्हेन द चार्ज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब एक चार्ज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहे, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्या रहे वो, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तब इसको क्या बोलूंगा, स्टेडी करंट। डायरेक्ट करंट क्या रहे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी हम जब एक सर्किट बनाते थे और ऐसा एक वो बनाते थे, तो हमें पता थी कि भई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ये कब होता है, जब मेरे पास क्या होता है, डीसी करंट। अब आते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का समझने से पहले ऐसे देख लेते हैं, चलो ठीक है भाई, मैंने एक सर्किट कंप्लीट किया, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा क्या, नेगेटिव।
तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की एक प्रॉपर्टी और होती है, इट विल रिवर्स बैक विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में 3 सेकंड लगे तो ये वही 3 सेकंड लेगा वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी अल्टरनेटिंग करंट इज अ काइंड ऑफ करंट विच रिपीट्स इट्स डायरेक्शन, विच रिपीट्स इट्स डायरेक्शन विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो कैसे कर रहा है, एक बार ऐसे जा रहा, एक बार ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा। इसलिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एक वेव फॉर्म में, करंट किस में चलता है, वेव फॉर्म में। देखो एक बार जीरो से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर माइनस में मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, है ना। तो इसका जो हम साइन करते हैं एसी का, डीसी करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैटरी। तो एसी का क्या रहेगा हमारे पास, करंट का, कि भाई हाँ ये सिग्नल क्या है हमारा एसी का। तो अगर मैं बाय चांस यहां पर एक ऐसा राउंड करके और ऐसे प्रोवाइड कर दूं, तो इट मींस इट इज एन एसी सोर्स। और अगर मैंने बैटरी लगा रखी है जैसे ऐसे, इट मींस इट इज एन डीसी सोर्स। तो एसी और डीसी की प्रॉपर्टी क्या है, एसी करंट की डेफिनेशन क्या बनी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इट्स डायरेक्शन रिपीट इटसेल्फ विद अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा। तो टाइप्स ऑफ करंट और करंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को जब मैंने क्या किया, प्रोवाइड किया एक सर्किट, सॉरी एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको मैंने जैसे ही कनेक्ट किया बैटरी से या मैं कहूं एसी सोर्स से, हम तो अब किसी से भी कर सकते ना, एसी सोर्स से, जैसे ही कनेक्ट हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स या तो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं या इस डायरेक्शन में, उस टाइम जो उन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया उस टाइम वो जो वेलोसिटी आई वो क्या रहेगी, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं एक लार्ज कंडक्टर, ठीक है, एक लार्ज कंडक्टर जिसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो बाय यूजिंग करंट रिलेशन, करंट एंड चार्ज रिलेशन, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखते हैं इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है। तो एज्यूम करते हैं इसकी जो लेंथ है वो है L, इसकी जो लेंथ है वो क्या है L। बाय चांस यहां पर जो चार्ज है वो क्या है, Q, कितना है, एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज की वजह से क्या है, एन ई। इस पूरे का कितना हो जाएगा भाई, जितना इस कंडक्टर की क्या होगी बेटा, वॉल्यूम, इस कंडक्टर की वॉल्यूम। बाय चांस किसी एक पॉइंट पे 10^7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरे में कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया मेरे पास, क्यू इज इक्वल टू, यानी टोटल जो चार्ज बना मेरे पास वो क्या बना बेटा, एन ई इंटू वी, ये क्या बन गया, वॉल्यूम, है ना। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसा यूनिट हमें पता, मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम अगर मैं कहूं क्या करूं, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, इंटू लेंथ की क्या होती है, मीटर, दैट्स व्हाई इट इज मीटर क्यूब। तो मैं ये वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, वरना मैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकता हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको वॉल्यूम को लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लिख सकता हूं। और लेंथ इंटू लेंथ, एल इंटू बी, एरिया, अगेन वही रह गया एरिया इंटू लेंथ, है ना। मुझे तो अपने अकॉर्डिंग क्या करना है उसको, कि भाई हाँ चेंज करना है। तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एरिया को क्या, सॉरी वॉल्यूम को क्या लिख लू, ए इंटू एल, ठीक है, ये होगी इक्वेशन वन, ठीक है। अब निकालता हूं भाई इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक इस पूरी लेंथ को क्रॉस करने में टाइम पीरियड लिया टी, टाइम पीरियड कितना लिया टी, तो टी इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है, ये पूरे की मैंने लेंथ कितनी है, जूम की लेंथ अपॉन स्पीड, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले एक रिलेशन तैयार कर लेते हैं हमारा आई का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लेकिन हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या हो गया कि भाई मैंने इसको एक सर्किट से कंप्लीट करके कनेक्ट किया, तो इन पे फोर्स लगा, कितना लगा, क्यू ई, फोर्स कितना लगा बेटा, क्यू ई। इनके अंदर क्या आया, एक्सेलरेशन, क्या आया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बाई एम, ऐसा ही होता ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, क्योंकि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, एक रिलेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया, F बाई एम, बाई यूजिंग दिस रिलेशन एक्सेलरेशन बन गया क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। और इस E को अभी भी हम अगर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहे तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू ई, और इसको क्यू ई, ठीक है, क्योंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो क्यू ई एक्सेलरेशन हो गया। अब आ जाते हैं एक नई चीज पे कि भाई दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए, अब वो चाहिए इसके साथ टकराए चाहे इसके साथ टकराए, दो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के बीच के जो टाइम पीरियड है, व्हेन इसको बोलता हूं मैं रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, इसको रिलैक्सेशन टाइम को मैं टॉ से डिनोट कर देता हूं, सारा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, क्यों, क्योंकि यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक बार इससे टकराए, एक बार इससे टकराए, एक बार इससे टकराए, एक बार इससे टकराए, तो मैंने इनका सबका समेशन का एक फाइनल रिजल्ट ले लिया, क्या ले लिया, टो, टो इज द रिलैक्सेशन टाइम, टॉर्क इसके नाम से जानते हैं ना आप लोग, तो रिलैक्सेशन टाइम T, रिलैक्सेशन टाइम इज T, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू टो, इज इक्वल टू टो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, vd कौन सी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो थी, क्योंकि मैंने जब तक उनको सर्किट कंप्लीट नहीं किया था वो सब किस पे थे, रेस्ट पे थे, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मेरे पास रिलेशन है क्यू ई अपॉन एम और इनटू में टो, इनटू में टो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया क्यू ई टो अपॉन एम, दिस इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी से हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन हम बहुत पहले भी निकाल चुके हैं, ये देखो VD की वैल्यू क्या होगी, QE tau upon m, QE tau upon m, तो इसको लिख सकता हूं L upon QE, QE tau upon m, upon m, है ना, तो ये m कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब डालता हूं इस रिलेशन में, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को मैं प्लेस करता हूं दिस, तो ये क्या आ जाएगा, I is equal to Q की जगह क्या डाल दूंगा, N E A L upon L M into Q E upon tau, तो मेरे पास L से L कट गया, this is the drift velocity, अगर इसको मैं फिर से भी define करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास drift velocity, तो I is equal to N E A V D, this is the relation between current and the drift velocity, clear है बेटा। एक बार फिर से देखेंगे क्या किया मैंने, कि को लिया कंडक्टर जिसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स है n, उनको क्या किया एक सर्किट से कनेक्ट किया जिनकी रेशियो कितनी है n ही, मैंने फोर्स यूज किया मास इनटू एक्सेलरेशन की वजह से a निकाला, रिलैक्सेशन टाइम और वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई थी वो आई थी टो क्यू ई टो अपॉन एम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन क्या आया था क्यू ई टो अपॉन एम, मैंने इसको यहां प्लेस किया तो एल से एल कैंसिल हो गया था, इस एल से एल कैंसिल हो गया था, और इस जो मैंने क्यू की क्यू बाय टी कर दिया था, तो ये मेरे पास क्या बन गया था आई, ठीक है।
तो आगे बहुत ही आसान टॉपिक है ओम्स लॉ, नॉन ओमिक और ओमिक, वो मैं ही कराऊंगा, लेकिन जूम मीटिंग में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप सब ये करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।